हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ये है कि रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर लीक किया गया है। ट्रेलर काफी जबरदस्त है, जिसमें हम रणबीर कपूर और बॉबी देओल को काफी खतरनाक लुक में देख सकते हैं। सच कहूं तो रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक्टिंग ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है। ट्रेलर के स्टार्ट में ही जब रणबीर कपूर अनिल कपूर से बात करते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उसी से ही पता चल गया था कि भाई ये कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं होगा। आगे हम एक बाप और बेटे की कहानी देखते हैं, जहां पर कोई अनिल कपूर को गोली मार देता है और उसके बाद रणबीर कपूर उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने उसके पिता को गोली मारी है। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि फिल्म की कहानी बाप और बेटे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। बॉबी देओल के कैरेक्टर को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उनके कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि भाई वो यहाँ पर एक खतरनाक रोल में नजर आएंगे। तो ट्रेलर काफी तगड़ा है, बाकी देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप एनिमल के इस ट्रेलर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक्शन पापा। 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ऋतिक रोशन और जूनियर टीआर वॉर 2 की शूटिंग फरवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे। वैसे डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अक्टूबर से ही वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जहां पर उन्होंने दोनों एक्टर के बॉडी डबल के साथ फिल्म के पहले शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया है और अब दूसरे शेड्यूल की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी। ऋतिक रोशन और जूनियर टीआर फरवरी से अबू धाबी में वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वॉर 2 को भी वॉर, पठान और टाइगर 3 की तरह काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा, लेकिन एक्शन के मामले में ये फिल्म पिछली फिल्मों से भी काफी तगड़ी होगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वॉर 2 जनवरी 2025 में रिलीज होगी। ओपनहाइमर के बाद से ये खबर काफी सुर्खियों में थी कि अब क्रिस्टोफर नोलन जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा था कि बॉन्ड फिल्म के मेकर्स ने क्रिस्टोफर नोलन को 2 बॉन्ड फिल्म के लिए साइन किया है, लेकिन अभी हाल ही में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस खबर को फेक बताया है और कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये काफी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि फैंस ने पूरी तरह से मान लिया था कि अब जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ही डायरेक्ट करेंगे। तो अब देखना होगा कि डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म कौन सी होती है और जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को कौन डायरेक्ट करता है। वैसे अगर सच में क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करते तो जेम्स बॉन्ड की ये फिल्म काफी अलग होती। देखते हैं आगे क्या होता है। विष्णु मांचू की आने वाली फिल्म कानप्पा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। कानप्पा एक माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी कहानी कानप्पा के ऊपर बेस्ड होगी। बताया जाता है कि कानप्पा शिव के सबसे बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर भेंट कर दी थी। तो इस फिल्म की कहानी शिव के सबसे बड़े भक्त के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें विष्णु माचो कानप्पा के रोल में नजर आएंगे। साथ ही मधु, आर शरद कुमार और मोहन बाबू अहम भूमिका में नजर आएंगे। उसके अलावा मोहनलाल, शिवा राजकुमार, नयनतारा और प्रभास कैमियो रोल में नजर आएंगे। प्रभास को हम यहां पर शिव भगवान के रोल में देखने वाले हैं। काफी बड़ी फिल्म होगी, जिसे करीब 100 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म 2024 में तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। चिरंजीवी की आने वाली फिल्म मेगा 156 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। मेगा 156 एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, जिसे बिंबिसार फिल्म के डायरेक्टर वशिष डायरेक्ट कर रहे हैं। एक बड़े बजट की फिल्म होगी, जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। पोस्टर काफी अच्छा है, तो अब देखते हैं चिरंजीवी की ये फिल्म कैसी होती है। ये फिल्म भी 2024 में ही रिलीज होगी। और खबरों की माने तो रवि तेजा और गोपी चंद मालिनी की फिल्म को बढ़ते बजट की वजह से रोक दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि डॉन सीनू, बलूपू और क्रैक फिल्म की सुपरहिट जोड़ी रवि तेजा और गोपी चंद मालिनी एक और फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन जो बजट मायत्री मूवी मेकर्स से कहा गया था, बजट उससे ज्यादा हो रहा है और मायत्री मूवी मेकर्स को नहीं लगता है कि ये फिल्म ओटीटी और सैटेलाइट से उतना बजट कवर कर पाएगी, इसलिए अभी फिलहाल इस फिल्म को रोक दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। विवेक अग्निहोत्री की मेडिकल ड्रामा फिल्म दी वैक्सीन वॉर की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो बाप इस फिल्म को 24 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक फुकरे 3 को अमेजोन प्राइम पर रिलीज किया गया है। फुकरे 3 भी 28 सितंबर को रिलीज हुई थी, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 96 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ग्रोस कलेक्शन 115 करोड़ है। वहीं ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की थी। तो 45 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ का कलेक्शन किया है।
तो बाप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो फुकरे 3 आप सबको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।